चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया। एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़े मामले पर बोले हैं, कहा विपक्ष को बात रखने का पूरा हक है। मामले में विपक्ष बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि विपक्ष को बोलने का हक है, लेकिन एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़े मामले पर विपक्ष जो है वो बढ़ चढ़कर बोल रहा है। इस मामले में बड़ा चढ़ाकर बात को रख रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। चंडीगढ़ से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़े मामले पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष को बात रखने का हक है। मामले में विपक्ष बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। रोडवेज बसें बढ़ाने पर भी उन्होंने बयान दिया। तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया। एचपीएससी फर्जी भर्ती फर्जीवाड़े मामले पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष को बात रखने का हक है। रोडवेज बसें बढ़ाने पर भी मूलचंद शर्मा बोले, ज्यादा से ज्यादा इंटरस्टेट बसें जो है वो चलाई जाएंगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया। एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़े मामले पर मूलचंद शर्मा बोले हैं, विपक्ष को बात रखने का पूरा हक है। रोडवेज बसें चलाने बढ़ाने पर भी मूलचंद शर्मा बोले हैं, ज्यादा से ज्यादा बसें जो है वो चलाई जाएंगी। अब खबर फतेहाबाद से है, जहां पर फतेहाबाद पुलिस की ओर से नशे के प्रति जागरूक करने के लिए कैंप लगाया गया है। वहीं पुलिस कप्तान सुरेंद्र भोरिया ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है जिसमें परिवार बर्बाद हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर नशा करने वाला नहीं होगा तो सप्लाई भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे भारत में 65% युवाओं की जनसंख्या है, अगर युवा ही नशे की गत में चले जाएंगे तो भारत की क्या स्थिति होगी, भारत को बचाना कठिन हो जाएगा। तो नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए यह कैंप लगाया गया। वहीं अम्बाला सिटी सिविल अस्पताल चौक पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां अवैध अतिक्रमण हटवाने को लेकर नगर निगम कमिश्नर ने आदेश दिया है। अम्बाला शहर को साफ और स्वच्छ बनाना को लेकर नगर निगम की टीम पुराने सिविल अस्पताल के सामने जगाधरी गेट रोड पर पहुंची, जहां पर अवैध रेडियो को हटवाया गया और उनका सामान वहां से हटवाया गया। जो सामान ले जाना चाहते हैं उन्हें इजाजत दे दी गई कि वो अपना सामान ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि इन सड़कों पर लगी रेडियो के कारण आवागमन में बहुत मुश्किल होती है, जिससे नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस जगह को साफ कराया। चलिए अब खबर यमुनानगर से है, जहां पर सिविल अस्पताल जगाधरी की आईडी हैक करके जाली जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें सीएमओ के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि उनको एक जाली जन्म प्रमाण पत्र मिला है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, साथ ही मामले को साइबर क्राइम में दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस थाना छप्पर के प्रभारी राय सिंह ने कहा कि इस मामले में गहराई से जांच की जाएगी और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास एक लेटर आया था हमारे ऑफिस के थ्रू कार्यालय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, और ये सीएमओ यमुनानगर की तरफ से लेटर जारी हुआ था कि जगाधरी की जो जगाधरी नागरिक हॉस्पिटल है उसकी आईडी को अनाधिकृत रूप में प्रयोग करके एक सीएससी संचालक है, उसने मनदीप सिंह वासी बंबोली है, उसने एक अमित कुमार पुत्र गुरुबचन लाल गंगा कलोनी जगाधरी का रहने वाला, उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। उसने एक साइबर क्राइम के तहत जगाधरी सरकारी अस्पताल का आईडी को हैक करके और उसने ऐसा कार्य किया है। बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है हमारे यहाँ से, और जब हम इसका रूटीन हमने जांच करते हैं, क्योंकि इसकी फाइल डाउनलोड हो जाती है कि भाई पिछले महीने में हमने कितने यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, तो उसमें एक आधार जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो 14/3/1992 की डेट में डेट ऑफ बर्थ दिखा रखी थी और उसको जगाधरी में रजिस्टर्ड दिखा रखा था।
1992 में जगाधरी की बजाय म्युनिसिपल कमेटी में नाम दर्ज होते थे, तो उससे हमारा जो ऑपरेटर है उसको थोड़ा शक हुआ। फिर उसने इसका सीरियल नंबर जब देखा तो सीरियल नंबर भी हमारे नंबर से मैच नहीं खाता था, तो इस व्यक्ति को इसका इससे प्रतीत हुआ कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये बोगस तरीके से एंटर हुआ है। सिरसा में आज फिर से कोहरे का प्रभाव देखने को मिला। आज कोहरा होने के कारण आपको बता दें कि विजिबिलिटी जो है वो कम रही और सिरसा की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम देखने को मिली। हालांकि इस दौरान वाहन चालक लाइट जलाकर ही सड़कों पर वाहन चलाते हुए नजर आए। साथ ही ग्रामीण इलाकों में कोहरे का शहर के मुकाबले ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। फिलहाल कोहरे के कारण गेहूं और सरसों की फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो सिरसा में कोहरे का दूर तो जिहड़ियां चीजां वो नहीं दिखदियां जिहड़ी हैगी वो घट जांदी है, भी जिहड़ियां मतलब नेड़े नेड़े चीजां दिखदियां, नज़दीक चीजां दिखदियां, दूरों दूर आने वाली चीज़ नहीं दिखती। तो जिहड़ा आवागमन है जिहड़ियां गड्डियां आ जा रही हैं वो जिवें जदों बिल्कुल नज़दीक आउंदी उदों ही पता चलता, उसका दूरों नहीं पता चलता। परेशानी जी सब तो पहला तो विजिबिलिटी दी होंदी है, धुंद पैना कोहरा पैना विजिबिलिटी बहुत घट जाती है। अपन सब लग जो आप ड्राइव करते हैं पता ही है विजिबिलिटी घटना थोड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिहड़ा रोड के साइड वाइज रेलिंग नहीं लगी हुई है वो भी एक्सपोज हो जाता है, वो करके बहुत दिक्कत आदि में जानवर डंगर एकदम गड्डी दे आ जाते हैं, इस मिस हैपनिंग्स भी बहुत हो रही है, थोड़ा जहाँ ज़्यादा केयरफुल होना पैंता है। डे की वर्किंग घट गई है कि सवेरे ज़्यादा धुंध होंगी है, लेट मतलब कि लेट हों सारा काम, तो शाम को भी थोड़ा छेती जाना पैंता सिर्फ धुंध के कारण ही, कि सारा एक्चुअली की है कि लाइफ से थोड़ा जहा फर्क पै जाता इस चीज़ का, डे वर्किंग बहुत ज़्यादा घट जाती। आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में रेवाड़ी जिले की धरा को स्वच्छ वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से रंग बिरंगे फूलों से गुलजार करने की पहल रेवाड़ी पुष्प अभियान के रूप में की गई है। यहां पर फ्लावर मैन के नाम से विख्यात अभियान चलाने वाले युवक का कहना है कि उनका लक्ष्य है कि रेवाड़ी धरा को रंग बिरंगे फूलों से यहां पर सुशोभित करना और पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। इस पुष्प अभियान के दौरान 1 करोड़ फूलों के पौधे बांटने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक वो गीता जयंती के दौरान 1 लाख से ज्यादा पौधे सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों और अन्य लोगों में वितरित कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पीतल नगरी के नाम से विख्यात रेवाड़ी नगरी को रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित कर दूषित पर्यावरण से निजात दिलाए। अच्छे अच्छे फूल इन्होंने लगाए, बहुत अच्छा अच्छा सराहनीय कदम है इनका। जितने फूल अब सर्दियों में जो खिलते हैं ये सीजनल प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलेंगे, बहुत अच्छा पहल है ये रेवाड़ी के लिए। क्रांति पार्क में इन्होंने बहुत सारी क्यारियों में बहुत अच्छे पौधे लगाए हैं, आप आके देखना पूरी लहरा रही है, बहुत अच्छे फूल आए हुए हैं। मृदुल आश्रय एक रजिस्टर्ड एनजीओ है रेवाड़ी बेस्ड, और हमने आज़ादी का 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव में रेवाड़ी में 1 करोड़ पौधे की सैपलिंग्स बांटने का लक्ष्य लिया है। 28 से 30 नवंबर को हमने इसको फॉर्मली इनॉग्रेट किया था इन डिप्टी कमिश्नर रेवाड़ी की प्रेजेंस में, उनके हाथों ही, और फ्लावर मैन ऑफ इंडिया श्री जयमल रमेश वो आए थे, उन्होंने स्वयं रिजांगला पार्क में इसको इनॉग्रेट किया था। तब से लेकर अब तक हम 1 लाख पौधे बांट चुके हैं, ये सभी निःशुल्क बांटे गए हैं। लक्ष्य ये है कि हमारे आसपास का वातावरण साफ स्वच्छ हो और बच्चों में थोड़ा सा जो है वातावरण को लेकर थोड़ा सजग हो, जिस तरह का जितना प्रदूषण हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो, ऐसा हमारा एक छोटा सा प्रयास है। और सभी पौधे निःशुल्क बांटे जा रहे हैं सभी संस्थाओं को। चलिए फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।